जेडीयू के अधिवेशन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अपने बयान में उन्होंने एनडीए से अलग होने के लिए ललन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार ठहराया है। अब ऐसी चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है। साथ ही कुढ़नी उपचुनाव में हार के बाद महागठबंधन में दरार के भी संकेत मिल रहे हैं। पटना में आयोजित जेडीयू अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार के भाषण के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सीएम नीतीश ने अधिवेशन में कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है, क्या वे दोबारा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से नीतीश कुमार को लेकर की गई भविष्यवाणी भी सच होती दिखाई दे रही है। सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को बीजेपी से अलग होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सलाह पर उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। उन्होंने दावा किया है कि इन्हीं दोनों नेताओं की सलाह पर महागठबंधन में शामिल होकर उन्होंने 7 दलों की सरकार बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ होने के बावजूद उन्होंने जेडीयू को डैमेज करने का काम किया। बीजेपी बिहार में जेडीयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। नीतीश के कई ऐसे बयान हैं जिसमें वो बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना लंबा राजनीतिक अनुभव होने के बाद भी खुद राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं। सीएम नीतीश जब कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेदार बताते हैं तब वे कोई दांव जरूर चलते हैं। बिहार का राजनीतिक इतिहास इसका गवाह है। उदाहरण के लिए बीते विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश लगातार कह रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की है। इन बयानों के बाद वे एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए। इससे पहले 2015 में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के सवाल पर वो कहते थे कि अशोक चौधरी और सुशील मोदी की सलाह पर उन्होंने दोबारा बीजेपी से गठबंधन का फैसला लिया था। अब नीतीश एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर ललन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में उनके एक बार फिर से पाला बदलने का सवाल उठने लगा है। चुनावी रणनीतिकार पीके इन दिनों स्वराज यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। पीके ने कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। इससे पहले प्रशांत ने तर्क दिया था कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने हुए हैं। नीतीश कुमार हरिवंश के जरिए एनडीए में जाने का विकल्प बनाए हुए हैं। ऐसे में पीके द्वारा की गई भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। G20 की अध्यक्षता को लेकर पीएम मोदी ने 5 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को बुलाई तब सीएम नीतीश कुमार उसमें शामिल हुए थे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पहली बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे नहीं आए थे, वहीं दूसरी बैठक जब हुई तब कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार हो चुकी थी। नीतीश के पुराने सहयोगी रहे सुशील मोदी भी इस बात पर ध्यान दिला चुके हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि कुढ़नी के नतीजे से नीतीश समझ चुके हैं कि उनका वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है। ऐसे में ये कयास लगना कि पलटू राम फिर पलटा मारने वाले हैं सच होता दिखाई दे रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।